एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जो कल सीबीएसई का बोर्ड पेपर आया था केमिस्ट्री का, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स पेपर में आए हैं उनका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ आप लोगों को। मैं किस सेट का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, 56/3/1। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। कल कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आए जो कल मैंने एमसीक्यू और सेशन रीजनिंग क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको कल वीडियो दी थी, उनमें कई बच्चों को डाउट था, उन्होंने अलग अलग सेट में व्हाट्सएप के थ्रू भेजे हैं। अगर कोई स्टूडेंट इसके अलावा किसी सेट के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन चाहता है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9416276366 पर अपने पेपर को क्लिक करके सेंड कर देंगे ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं, क्योंकि मेरे पास कई सेट के पेपर अवेलेबल नहीं है। हम बात करेंगे आज जो कल हमारे पेपर यहाँ पे सीबीएसई में हुआ उसके अंदर जो सेट है उनके सॉल्यूशन की। तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट आया है 21st केमिकल काइनेटिक से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। 21st ये सेट फर्स्ट को लेकर मैं चल रहा हूं, सेकंड में इसी का ये नंबर है 22/2 और थर्ड सेट में 23/3, यानी क्वेश्चन सेम है मगर उनके नंबरिंग क्या है डिफरेंट है, वो सब मैंने मेंशन यहाँ पे कर दिया है। 21st की बात करें केमिकल काइनेटिक के अकॉर्डिंग वो कह रहा है A+3B गिव्स 2C, आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है और कह रहा है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और आपको गिवन क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। जब भी आपको फॉर्मेशन आता है तो इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T की वैल्यू आपको क्या है गिवन है, वो कितनी गिवन है 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये डाटा आपको गिवन है, कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन निकालो और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कैलकुलेट करो। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम क्या करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन लगा देंगे यहाँ पे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आप सबने कर रखा होगा, माइनस डी लगा लो या डेल्टा लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा हम एवरेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं और ए हम इंस्टेंटेनियस में इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा डी। किसी स्टूडेंट ने अगर डी वर्ड इस्तेमाल किया तो कोई गलत यहाँ पे नहीं होगा, -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। न्यूमेरिकल के टाइम में प्लस माइनस साइन नहीं लगाए तो भी कोई गलती नहीं है। अब मुझे ये वैल्यू तो गिवन है और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना कह रहा, तो ये सारी टर्म आपस में इक्वेट हो रही है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और इसको अगर मैं इक्वेट करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आपने सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इस वाली वैल्यू को पुट कर देता हूं 2.5 × 10⁻⁴/2 और आप यहां से देख सकते हैं आंसर आ गया 1.25 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, कोफिशियंट नहीं लेते हम, ध्यान रखना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करें तो डी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, तो कर लीजिए डेल्टा बी अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टी, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी आ गया। ये क्या 1/3 किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन तो आप निकाल ही चुके हैं तो क्या हो जाएगा 1/3 × रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे 3 यहां देखकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × रेट ऑफ रिएक्शन 1.25 × 10⁻⁴ और ये आपका आ जाएगा 3.75 mol/L/s 10⁻⁴, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा फर्स्ट न्यूमेरिकल का 21 और सेट सेकंड में 22 और सेट सेकंड में थर्ड में 23। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आपको आया था वो आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल आया था जो सेट फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर है 28, सेट सेकंड में जो है वो है क्वेश्चन नंबर 29 और सेट थ्री में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप ये याद रखेंगे 28, 29, 30, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट के अकॉर्डिंग आपके मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूं मगर क्वेश्चन सेम आए हैं। इसमें क्या कह रहा है, लॉग केसी आपको कैलकुलेट क्या करना है, लॉग केसी कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए, लॉग केसी का फार्मूला क्या होता है, एन
ई नोट सेल अपॉन 0.0591 और डब्ल्यू मैक्सिमम क्या होता है माइनस डेल्टा जी नोट, और डेल्टा जी नोट के लिए आप सबको फार्मूला पता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो ये सारे मुझे फार्मूले इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल को सोल्व करने हैं, मेरे हिसाब से आप बड़े आराम से कर लेंगे। आपको गिवन क्या है स्टूडेंट, निकल प्लस टू ए जी पॉजिटिव गिव्स निकल टू पॉजिटिव प्लस टू ए जी, और डाटा आपको गिवन है ई नोट निकल टू पॉजिटिव टू निकल और ई नोट ए जी पॉजिटिव टू ए जी। इसकी वैल्यू आपको पता है 0.18 और इसकी माइनस 0. क्या होती है 25, ये गिवन है आपको। अब यहां से जो हमारा ई नोट सेल की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, और आपको मैंने टेक्निक बता रखी है बड़े में से छोटे को घटा देंगे बड़ी वाली वैल्यू में से। तो 0.80 माइनस माइनस 0.25 ये आपका 1.05 वोल्ट आ जाएगा। तो यहां से ई नोट सेल आ गया, यहां पुट कर दीजिए, लोग केसी की वैल्यू निकालनी है, लोग केसी क्या हो जाएगा एन की वैल्यू 2 क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ई नोट सेल की वैल्यू 1.05 और 0.0591 इनको कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने आंसर कैलकुलेट आपके पास सीधा रखा है वो आ जाएगा 35.5329, ये आपका आंसर आना चाहिए। किसी का अप्रोक्सीमेट 36 आया है वो भी क्या होगा सीबीएसई से करेक्ट कर देती है, 34 समथिंग वो भी करेक्ट हो जाएगा। 0.5 अप एंड डाउन चलता है। लो केसी आ गया, मुझे निकालना है डेल्टा जी नोट, तो डेल्टा जी नोट कैसे आएगा माइनस एन एफ एन एफ की वैल्यू 96500 और ई नोट सेल की वैल्यू आपको पता है 1.05 और ये सारा आप सोल्व करेंगे तो माइनस 202650 जूल आ जाएगा और किलो जूल में 202.65 किलो जूल, और इसीलिए जो डब्ल्यू मैक्सिमम होगा वो केवल साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा 202.65 किलो जूल आपका मैक्सिमम वर्क डन आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड न्यूमेरिकल है 28 सेट फर्स्ट में 29:30 आप इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो फिर केमिकल काइनेटिक है, बड़ी वो इंपॉर्टेंट बात है केमिकल काइनेटिक से दोनों ही न्यूमेरिकल आए हैं, दोनों न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल हम पहले कर चुके हैं। अब अगले की अगर हम बात करें स्टूडेंट 29 की, वो कह रहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट दे रखा है इन 80 मिनट्स। अब आपको पता है टी 40% अगर निकालना है तो फार्मूला क्या होगा 2.303 के लोग ए अपॉन ए माइनस 40/100। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे और बेसिकली वहीं से आ रहे हैं सारे सारे। तो 40 क्या हो गया ए अपॉन ए माइनस 40/100 और इस सबको जब हम सोल्व करेंगे आपको वैल्यू गिवन है 840% क्या है 80 मिनट दे रखा है 80 मिनट दे रखा है 2.303 के लोग, यहां पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 140/60 ऊपर 100 तो 10/6 या फिर हम क्या कर देंगे 5/3 और लोग 5 की वैल्यू भी आपको गिवन है, लोग 3 की वैल्यू भी आपको गिवन है तो ये क्या हो जाएगा 2.303/80 log 5 माइनस log 3। तो इन दोनों की वैल्यू आपको स्टूडेंट गिवन है, इनको पुट करिए और k की वैल्यू जो सोल्व करके आपके पास आएगी दैट इज 6.38 10^-3, ये आपके पास क्या आ रही है k की, आपके जो टाइम है वो मिनट में दिया हुआ है इसलिए इसके यूनिट्स क्या होंगे मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम क्या है 80 मिनट है तो k के यूनिट्स उसके इनवर्स हो जाता है। अब नेक्स्ट वो कह रहे टी 90% कैलकुलेट करो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है फिक्स, तो टी 90% क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लोग ए अपॉन ए माइनस 90/100 ए। अब ये 100 में से 90 गया 10 ऊपर गया 100 तो ये 10 बच जाए, सारा सोल्व करके क्या जाएगा लोग 10 और लोग 10 की वैल्यू तुम्हें आपको स्टूडेंट पता है क्या होती है 1 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के की वैल्यू पता है 6.38 10^-3 और इस सबको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 360 मिनट के आसपास आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है और दूसरे सेट में 28/2 सेकंड में और 31/3 सेट थर्ड में, तो
तो अलग अलग साइड में नंबर केवल चेंज है, क्वेश्चन क्या है आपके सीबीएसई में सेम आया हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन है 37 जो कि हमारा आया हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर से, उसकी बात करते हैं। जो सॉल्यूशन में खास बात देखने वाली मेरे को जो लगी इस बात की, दोनों न्यूमेरिकल जो है वो वेल्थ ऑफ फैक्टर से रिलेटेड आए हैं। एक में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है और दूसरे में हमें क्या करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो दोनों में निकालना पड़ा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। एक में हम डेल्टा टीएफ निकालेंगे, एक में ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 37 सेट फर्स्ट में, सेट सेकंड में 35 नंबर क्वेश्चन है टू में, और सेट थर्ड में ये 36/3। मगर क्वेश्चन क्या है सेम है, इसलिए कोई ऐसी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ स्टूडेंट देखिए, हम 37 का ए जो मेरे पास पेपर में फर्स्ट पेपर को लेकर चल रहा हूं, ए सॉल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, तो वेट ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है 5.85 मोलिकुलर वेट NaCl का, सबको पता है 58.5 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, टेम्परेचर आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, और इसे जब आप कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें 4.75 एटमोस्फेयर दिया हुआ है, जब ये एटमोस्फेयर में है ये लीटर में है ये कैल्विन में है, तो आर की वैल्यू आपको पता है 0.82 लीटर एटमोस्फेयर पर कैल्विन पर मोल आप इस्तेमाल करेंगे। और जब ये सारा डाटा, अब हमें पता है पाई इक्वल टू क्या होता है आई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी अपॉन बी, सारा डाटा आपको गिवन है, आई की वैल्यू नहीं पता बस केवल, जब ये सारा आप पुट कर देंगे आई आपका आ जाएगा 1.92, और हमें पता है अल्फा क्या होता है आई माइनस वन एन माइनस वन, 1.92 माइनस वन 2 माइनस 1, एन क्या होता है नंबर ऑफ आइंस, आपको पता है NaCl है तो NaCl किस में टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 2, और ये हमारा आ जाएगा 0.92। और अगर मैं परसेंटेज निकालता हूं तो 92% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, टेम्परेचर के यूनिट्स चेंज करने थे, आई निकालना था और अल्फा आपको पता ही है कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट इसका और में जो पार्ट आया है स्टूडेंट उसकी बात करें तो आपको मेरे ख्याल से बड़े आराम से समझ आ रहे होंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ा हुआ है। छोटी छोटी गलतियां अगर आपने की हैं कोई बात नहीं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं, जितना भी आपने सही अटेम्प्ट रखा उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसी के और की, तो और में आ रखा है 19.5 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, तुम्हें दे रखा है 19.5 ग्राम, और जो कंपाउंड दे रखा है फ्लोरोएस्टिक एसिड, इसका मोलिकुलर मास गिवन है 78 ग्राम पर मोल, इज डिसॉल्वड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है आपको 500 ग्राम, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है 1 डिग्री सेल्सियस। मैंने एक चीज बताई थी स्टूडेंट को अपने कि कभी भी आपने डेल्टा टीएफ की यूनिट्स को चेंज नहीं करना, कई स्टूडेंट क्या करते हैं 1+273 कर देते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है तो हमें पता है आई माइनस वन एन माइनस वन, एंड कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, बस कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा में निकालना है तो आई की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी, अगर आई आ जाए तो अल्फा आ जाएगा, आई कैसे आएगा हमको पता है डेल्टा टीएफ क्या होता है आई के एफ डब्ल्यू बी 1000 एम बी डब्ल्यू ए। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यूज क्या हैं अवेलेबल हैं, के एफ की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, के एफ की वैल्यू है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये आपको डाटा गिवन है। तो अब ये जब सब डाटा जो ये सारा डाटा आपको दे रखा है यहाँ पे आप पुट करेंगे तो जो आई की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1.0753 हमारे पास ये आई की वैल्यू आ जाएगी। और मुझे अल्फा निकालना है तो अल्फा आपको पता ही है आई माइनस वन एन माइनस वन 1.0753 माइनस वन अपॉन 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0.753 अल्फा, और अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालता हूं तो 75.3% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी
पूछा गया है, मतलब सीबीएसई ने आपको उतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन ना देकर उसका हाफ ही पार्ट दिया है। नहीं तो अगर के ए की वैल्यू पूछते हो तो हमें पता है के ए क्या होता है, सी अल्फा अपॉन वन, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, वहां पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स होंगे न्यूमेरिकल को लेके इस वीडियो के माध्यम से वो पूरे हो चुके होंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है मुझे बता देंगे। कई स्टूडेंट कह रहे हैं पूरा पेपर सोल्व करो, तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है कि मैं पूरा पेपर सोल्व करूं तो वो मुझे अपना पेपर जो है व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कर दे, अदर बोर्ड दे। इस सेट के मैं बाकी क्वेश्चन भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस।